हेलो फ्रेंड्स, आज हम दही बड़े या दही भल्ले या दही की फुल्की वो बनाएंगे, जिसके लिए मैंने आधी कटोरी धुली हुई मूंग की दाल और आधी कटोरी सफेद उड़द की दाल ली है। इन दोनों को 3 घंटे के लिए सोक करूंगी, उसके बाद ड्रेन करने के बाद इसको मैं पीस दूंगी। दाल को मैंने बहुत अच्छे से पीस दिया। इसको पीसते समय ज्यादा पानी का उपयोग ना करें। मैंने सिर्फ 2 चम्मच दाल में पानी डालकर पीसा। इसमें नमक, हींग और पिंच सोडा डालकर अब इसको अच्छे से फेंटे। हमारी दाल बहुत अच्छे से फूल गई है। मैंने इसको 5-7 मिनट तक बहुत अच्छे से बीट कर दिया। अब मैं इसको चेक करके दिखाती हूँ आपको। पानी में डाल के देख ले, अगर फ्लोट करके ऊपर आ रही है तो समझे बनाने के लिए तैयार है। बना रहे हैं, हाथ को थोड़ा सा गीला करें और फिर ऐसे करके इनको गर्म तेल में छोड़ दें। पकौड़ियाँ बनकर तैयार है। अब इसको नमक और हींग के पानी में डालकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। दही बड़ा चाट बना रही हूँ। दही को मैंने ठंडा कर दिया आइस क्यूब्स डालकर। सबसे पहले दही स्प्रेड करूंगी। अमचूर की चटनी, धनिया की चटनी, काला नमक, लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, सेव, धनिया पत्ती। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा दही और डाल रही हूँ। दही बड़ा चाट सर्व करने के लिए तैयार है।